हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सृष्टि आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल फूड जंक्शन रेसिपीज़ में। आज मैं आपके सामने नवरात्रों की रेसिपी लेके आई हूँ। यहाँ पे मैं लाई हूँ साबूदाने की खिचड़ी, जिसे आप बहुत ही इजी वे में बना सकते हैं। और अगर नवरात्रों में आप फ्राई चीज़ें खा के बोर हो गए हैं या किसी का फूड क्रेविंग्स होती है तो स्नैक्स खाने का मन करता है, तो आप ये खिली खिली साबूदाने की खिचड़ी झटपट बना सकते हैं। तो चलो आइए हम ये यमी यमी रेसिपी शेयर करते हैं आपके साथ। ये देखिए फ्रेंड्स, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे गैस पे कढ़ाई गरम करनी है और मैं अब इसमें डाल रही हूँ ऑयल। मैं यहाँ पे 2 कड़छी ऑयल डाल रही हूँ। अब हमें इस तेल को गरम करना है। अब यहाँ पे हमारा तेल गरम हो गया है, तो इसमें हम डाल रहे हैं 1 मीडियम साइज़ का आलू, जिसे मैंने क्यूब शेप में काट रखा है। और अब हमें इस आलू को क्या करना है, फ्राई करना है। जब तक ये हमारा क्रिस्पी या क्रंची ना हो जाए तो हम इसे फ्राई करेंगे। ये देखिए, जैसा आपने देखा हमारे आलू क्रिस्पी और क्रंची हो गए हैं। तो अब हम यहाँ पे डालेंगे अदरक। मैं यहाँ अदरक के लंबे लंबे स्लाइसेस डाल रही हूँ और मैं थोड़े से कड़ी पत्ते डाल रही हूँ। अगर आप ये नहीं खाते तो अवॉइड कीजिए। और इसे हम थोड़ा सा चलाएंगे। ये देखिए, हमने इसे थोड़ी देर भून लिया है। तो अब हम यहाँ पे डालने वाले हैं नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग और हल्दी पाउडर 1/4 छोटा चम्मच। और यहाँ पे आप सेंधा नमक का इस्तेमाल कीजिए जो आप व्रत में खाते हैं। एंड अब मैं डाल रही हूँ यहाँ पे मूंगफली। यहाँ पे मैंने रोस्टेड मूंगफली डाली है। अगर आपके पास रोस्टेड नहीं है तो आप कड़ी पत्तों के साथ डाल के उसे रोस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम डाल रहे हैं साबूदाना। यहाँ पे मैंने 1 कप साबूदाना लिया है और उसे रात भर के लिए भिगो के रखा था, और मैंने उसका अच्छे से सारा पानी निकाल दिया है और उसे मैं डाल रही हूँ। यहाँ पे आपको साबूदाने का अच्छे से पानी निकालना है। और अब हम उसे डालने के बाद इसे हम मिक्स करेंगे। ये देखिए, साबूदाने की खिचड़ी अब हो गई है रेडी। तो आपने देखा ये कैसे झटपट बन गई है। तो आप भी इसे नवरात्रों में स्नैक्स के टाइम पर खा सकते हैं। आपका जब मन हो कुछ स्नैक्स खाने का, तो आइए अब हम इसे सर्व करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपनी खिचड़ी को एक प्लेट में सर्व कर दिया है। और आपने देखा कितनी आसानी से ये खिचड़ी बन जाती है। तो आप भी नवरात्रों में ट्राई कीजिए। और फ्रेंड्स, मैंने इसमें बिल्कुल भी कोई भी मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया है। अगर आप लाल मिर्च खाते हैं तो आप इसे हल्दी के साथ डाल सकते हैं, और अगर आप हरी मिर्च डालना चाहें तो आप उसे कड़ी पत्ते के साथ फ्राई करके डाल सकते हैं। तो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कॉमेंट करके बताइए। अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।